नमस्कार बच्चों, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं बच्चों सभी? कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही सभी बच्चों को? क्या मेरे सारे भावी अध्यापक मुझे सुन पा रहे हैं? बताएं साहब, बताएं। एक सेकंड रुको बच्चों, यार ना। बच्चों भाई, लिंक को कॉपी करके शेयर कर देना भाई, है ना। बुला लो सब टावरों को अपने। मैं विजिबिलिटी सही कर देता हूँ एक बार तुम्हारे लिए। आई थिंक ओके है ना। चलो जी बच्चों, करते हैं शुरू, है ना। क्या पूछ रहे हैं? कुछ फाउंडेशन बैच से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फाउंडेशन बैच खत्म होने के बाद, ठीक है। ऑल TGTPG एग्जाम्स आर कवर्ड आफ्टर योर फाउंडेशन बैच फिनिश, है ना। लेकिन फाउंडेशन बैच बच्चों अपनी मस्ती में चलेगा। अपनी मस्ती से मतलब है उसकी स्पीड ये रहेगी कि वो सारे TGTPG कवर करते हुए चलेगा। तो 80% तो लगभग सारे सेम होते हैं, लेकिन ये नहीं कि 2 महीने बाद कोई एग्जाम है तो तुम ये जिद करो कि फाउंडेशन बैच का कोर्स 2 महीने में पूरा करो, ऐसे नहीं हुआ। कोई यूपी, DSSB, RPSC, HTET सारे कवर करते हुए चलेगा वो, ना। तो फाउंडेशन बैच एक आराम से आपके आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 6-7 महीने में कोर्स पूरा होगा, उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस पूरे साल भर चलेगा आराम से। धीरे धीरे उसको अपन करते रहेंगे बच्चों, ना। दूसरा, किसी को स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो उसके लिए बैच परचेज करें, एप्लीकेशन में जाए, आराम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो, खुश रहो बच्चों सभी। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। चलो बच्चों, बेसिक देखो, इक्वेशन तो वैसे 1 घंटे में तो खत्म होगी नहीं, है ना। बट मैं तुम्हें थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। तो लेट स्टार्ट दीज सेशन। जो यूट्यूब पे मैं सेशन करा रहा हूँ वो सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, चाहे वो यूपी TGT PGT हो, चाहे वो DSSSB हो, चाहे वो HTET हो, चाहे RPSC हो, है ना। तो आप सारे बच्चों को सजेस्ट कर सकते हो। तो लेट स्टार्ट बच्चों। बेटा मुझे नहीं पता ना UP TGT कब होगा एग्जाम। अभी तो अफवाहें उड़ रही है यूट्यूब पे कि 2 महीने में हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं 2 महीने में हो जाएगा, है ना भाई। ये भी कमेंट नहीं कर सकता, कमिटमेंट नहीं कर सकता 2 महीने में UP TGT का एग्जाम हो जाएगा। पर जो भी एग्जाम के लिए तुम मेरे से प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे DSSB PGT वाले हैं, तो उनका एग्जाम से पहले मैं कोर्स पूरा करा दूंगा। चाहे 4 घंटे पढ़ाना पड़े, या 5 घंटे पढ़ाना पड़े डेली का, उस बात की चिंता मत करना। चलो, अब ये सेशन इन सब बातों के लिए नहीं है। आ जाओ साहब, क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करो। भाई इक्वेशन के बारे में तुम सब जानते हो बच्चों, ना। बच्चों किसी भी इक्वेशन में व्हेन एवर वेरिएबल हैज डिग्री मैक्सिमम पावर 1, उसको 1 डिग्री इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली हम बोलते हैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक होगा, देयर इज ओनली 1 वैल्यू ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। केवल दुनिया में एक्स का एक मान इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, सरल रेखीय समीकरण बोलते हैं। x²-2 = 0, 2 डिग्री मैक्सिमम पावर इसमें 2 आ रही है बच्चों, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं, द्विघात समीकरण। एक्स के 2 मान इसको सेटिस्फाई करेंगे, 3 हो तो क्यूबिक त्रिघातीय समीकरण। एक्स के 3 मान इसको सेटिस्फाई करेंगे, 4 हो तो 4 मान करेंगे, 5 हो तो 5 करेंगे। इतने इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं। चलो, क्वेश्चन के माध्यम से अपन बातें करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी, पूरा क्वेश्चन हिंदी में है, मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दूंगा इसको, डोंट वरी। इस इक्वेशन के लिए हमें ये पता करना है जो नेचर ऑफ रूट्स है ना। देखो पूरा तो मजा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अपन उसमें पढ़ेंगे, अपन एप्लीकेशन में तब आएगा ना। अब यहाँ पे देखो तुम, रूट्स बोलते हैं बच्चों जीरोज को, शून्यक, हल, सॉल्यूशन, जो भी हमारे इक्वेशन के जो आंसर होते हैं उनको अपन मूल बोलते हैं हिंदी में ना। रूट्स, जीरोज, शून्य, इस तरह के इनके नाम होते हैं अपने, है ना। तो ऑल 4 रूट्स आर रियल, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, 2 रूट्स रियल एंड पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन, 2 रूट्स रियल एंड नेगेटिव। फोर्थ ऑप्शन है 2 रूट रियल बट अपोजिट साइन के साथ, है ना, एक प्लस और एक माइनस। इस इक्वेशन के लिए हमें निकालना है, तो बताइए क्या करें। मैं बताता हूँ बच्चों ना, एक आध क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ ना। वो जो डेस्कार्डेज रूल होता है ना, हिंदी में देकार्त, देकार्त
डेकार्ट भी बोल देते हैं कुछ बुक्स में ना। तो डेकार्ट रूल क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, मिनिमम इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव में तो रियल रूट्स आ गए, मतलब हम वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इन एनी इक्वेशन, कि इतने रूट्स हो सकते हैं रियल, है ना। वास्तविक मूलों की संख्या हम पता कर सकते हैं अधिकतम, न्यूनतम इमेजिनरी रूट्स की संख्या हम पता कर सकते हैं, काल्पनिक मूलों की संख्या पता कर सकते हैं। तो डेस्कार्डिस ने क्या बोला, आप इक्वेशन में एज इट इज जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसमें आप नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखो कितनी बार हो रहे हैं, कितनी बार चिन्ह परिवर्तित हो रहा है। तो सर हम देखा तो एक ही बार चिन्ह परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब वन पॉजिटिव रियल रूट, अधिकतम एक इसमें धनात्मक, है ना, एक धनात्मक वास्तविक मूल हो सकता है। दूसरा, अब नेगेटिव रूट के लिए हम क्या चेक करते हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो आप पूरे पूरी इक्वेशन में ना, तो एक्स की पावर 4 को करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, एक्स की पावर 2 को भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारे 7x पे फर्क पड़ जाएगा, है ना, माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी केवल एक ही बार साइन चेंज हो रहा है, तो वन नेगेटिव रियल रूट, यानी कि दो तो हमारे पास रियल रूट हो गए बच्चों, और विपरीत चिन्ह युक्त अपोजिट साइन के साथ आ रहे हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ फोर्थ ऑप्शन आंसर लगा सकते हैं। बात समझ आई तुम्हारे, एक क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और करेंगे, चिंता मत करो, पहले बताओ पल्ले पड़ी ना बात है बाल को, थोड़ा लाइक भी कर दो बच्चों सेशन को, तुम लाइव हो तो, है ना, विजिबिलिटी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना। अब आ जाओ, सभी वास्तविक मूलों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल रियल रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप डेस्कार्डेस रूल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है, कितना आसान क्वेश्चन हुआ, देखो ध्यान से देखो कैसे। सर जो ये वेरिएबल्स है ना, इन सबके पास इवन पावर आ रही है, आ रही है इवन पावर, तो जब इवन पावर है तो ये मिनिमम जीरो हो सकता है, जीरो से कम तो कभी जा नहीं सकता, नेगेटिव होगा नहीं, तो जब ये तीनों मिलकर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, और इसके सॉल्यूशन के लिए तो यहां तक की जनता का माइनस सेवन होना बिल्कुल जरूरी है, बिना माइनस सेवन है तो जीरो कैसे लाओगे आप, वैसी कोई दुनिया में वैल्यू एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो हम बोल देंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी जीरो। और एक बात बच्चों गांठ मान लो, लिख लो इस बात को, है ना, मतलब गड़बड़ी ही होती है एग्जाम्स में, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ रूट्स पूछे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हो, चाहे वो अपने एल्जेब्रिक इक्वेशन का हो, है ना, जब भी नंबर ऑफ रूट्स पूछता है तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, यदि हम निकाल पा रहे हैं रूट्स तो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीसब्स्टिट्यूट करके जरूर देखना होगा, है ना, कोई वैल्यू आ गई, मान लो तीन आंसर आ रहे हैं हमारे साथ, तीन रूट आ गए, एक माइनस वन, एक टू, एक थ्री, तो उनको वापस इक्वेशन में रख के देखो, उनमें से हो सकता है कोई एक आध वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही हो, तो उस तरह की चालाकी वो जरूर करेगा, आज अपन करेंगे ऐसे क्वेश्चन, उसमें आएगा अपने पास, ध्यान से देखो। यहाँ पे आ जाओ, इफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इक्वेशन के रूट्स हैं, मूल हैं, है ना, ये अल्फा टू आएगा बच्चा, एरर है, तो इन सभी का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछना चाह रहा है, मूलों का गुणनफल पूछना चाह रहा है, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों एक बात दिमाग में फिट करो, जब भी nth फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन होता है, nवें पद तक दे रखा हो, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो इक्वेशन हो, चाहे वो प्रोग्रेशन का कोई पार्ट हो, चाहे वो इक्वेशन का कोई पार्ट हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी हमें nth फॉर्म में नहीं करना, बिकॉज वी आर नॉट इन सब्जेक्टिव पेपर, हमारा तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा सर, तो ऐसे क्वेश्चन को हम छोटा क्वेश्चन करके सोल्व करते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अज्यूम करके। फॉर एग्जाम्पल, सभी को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना, ठीक है, उसका देखो तरीका क्या होता है, ध्यान से समझना, मैं जो बातें नोट डाउन करवा रहा हूँ लिखते जाना, एक भी बात स्किप मत करना, होशियारी मत लगाना बिल्कुल भी थोड़ी बात, है ना। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके दो रूट्स हमने ले लिए अल्फा और बीटा। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आएगा बच्चों सी अपॉन ए, पहली बात। अब अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना रिलेशन बताऊंगा, बहुत ही प्यारा सा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए, ये बहुत तुम्हारे काम आने वाला है बच्चों, बेहतरीन तरीके से काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टू है,
हाईएस्ट पावर यहाँ पे टू है, इवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है अल्फा बीटा प्रोडक्ट। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तीन, ओड है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी नेगेटिव, यानी कि जब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे पास होगी ए एक्स फोर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस डी, है ना, ई एक्स प्लस एफ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी पॉजिटिव, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर पॉजिटिव आ जाएगा, डी एफ अपॉन है जो भी लास्ट वाला कॉन्स्टेंट हो, तो यानी कि सब कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा, ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा, है ना, और जो सम ऑफ रूट्स है वो तो नेगेटिव ही है ना, जस्ट उससे छोटे वाले का कोफिशियंट, अगर पावर फाइव वाली इक्वेशन है तो पावर फोर वाले का कोफिशियंट का नेगेटिव साइन अपॉन जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशियंट अपॉन में आ जाएगा। तो जब इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन को क्रॉस करती है ना बाई फोर बाई क्वाड्रेटिक, चार वाली आ जाए, पांच वाली आ जाए, छह वाली, तो फिर वो दो ही बातों पे खेल खेलेगा तुम्हारे पास, है ना, या तो सम ऑफ रूट्स पे खेलेगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे खेलेगा, या तो चलो इसने छोटी सी जनरल बात पूछ ली, क्वेश्चन भी एप्लीकेशन भी तुम देखोगे तो जब पावर चार वाली इक्वेशन है तो वो सम ऑफ रूट्स की बोलेगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बोलेगा, इस बात को दिमाग में रखो। तो क्या बोला अपन ने, इवन हो तो पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओड हो तो नेगेटिव आएगा, यानी कि सर इवन ओड का चक्कर पड़ रहा है, कुल मिला के बात यह है। तो यहाँ पे सर हम देखते हैं, अब हमें नहीं पता एन का मान कितना है, ओड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, तो सर इसका मतलब ये श्योर है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो लास्ट वाला है अपॉन पहले वाले का कोफिशियंट, तो पहले वाले का कोफिशियंट तो वन है, तो लास्ट वाला आ गया हमारे पास पी एन, है ना। अब यहाँ पे इसने इवन ओड को खत्म कर दिया सी ऑप्शन के कारण, भाई दो होगा इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ओड होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हमने इसका सी आंसर लगा दिया। बच्चों इस बात से सहमत हो या नहीं हो बताओ, है, अरे पार पड़ी क्या मेरे भावी अध्यापकों, बोल दो ऐसे क्या कर रहे हो, है? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, वेरी क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आगे बढ़ो, ये बार शेयर कर देना भाई सारे बच्चे, अब आ जाओ। इफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इक्वेशन के मूल हैं, रूट्स हैं, है ना, देन ये निकालो। अगर किसी का सेशन पहले मेरे से किया हो तो भी दोबारा देखो बच्चों, शिद्दत के साथ करते जाओ तुम। इतने दिन से कूपन कोड सब मिल रहे थे तब क्या कर रहे थे तुम, फोन कर लेना मुझे क्लास के बाद अभी, ठीक है। इसके रूट्स है बच्चों, देखो एक बात तुम्हें ये पता होनी चाहिए बिल्कुल बेसिक सी, क्या कि जैसे मैं बोलूँ कि x माइनस टू किसी का रूट है, यहाँ बोलूँ x बराबर दो, यानी कि किसी का किसी इक्वेशन का जो रूट है वो दो है ना, इसका मतलब x का मान दो रखने पर वो जीरो हो रहा होगा, इसका मतलब x माइनस टू विल बी फैक्टर ऑफ दिस, उसका एक गुणनखंड होगा। भाई किसी का फैक्टर अगर x माइनस तीन है तो हम क्या बोलते हैं, सर x का मान तीन रखने पर जीरो होगा, इसका मतलब x माइनस तीन उसका फैक्टर होगा, है ना, यही बात है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसके जो रूट्स हैं वो आ रहे हैं अल्फा वन अल्फा टू, ये सब आ रहे हैं इसके रूट्स, इसका मतलब x की पावर n प्लस वन को मल्टीप्लाई करना, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, x माइनस अल्फा वन x माइनस अल्फा टू x माइनस अल्फा थ्री, है ना, x माइनस अल्फा n, इसके बराबर होगी इसकी वैल्यू फिर तो। अरे भाई प्रैक्टिकल से बच्चों लिंक करो ना इस बात को यार, जैसे बोलूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके दो फैक्टर हैं x माइनस 2 x माइनस 3, यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर ही आ जाएगा, इसका मतलब x बराबर 2 और x बराबर 3 इसके रूट्स हैं, 2 और 3 रूट्स हैं, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इसके फैक्टर्स होंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाना चाहिए, इसने बोला है कि इसके रूट्स ये हैं। अभी बात तुम्हारे समझ में आ गई, तुम्हारे मूल है मतलब, है ना। तो सर अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हमें x की जगह 1 लाना है, तो x को 1 से रिप्लेस कर दो, खाली खत्म, आ गया ना, 1 की पावर n 1, तो 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 अप टू 1 माइनस अल्फा n, तो एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन रिजल्ट इज सी ऑप्शन। पार पड़ी, डन बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
एक और वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा वन, इसके चार रूट्स हैं भाई, एक्स की पावर चार है तो चार रूट्स होंगे इसके, चारों रूट्स हमारे पास गिवन, अल्फा बीटा गामा एंड वन, तो वन माइनस अल्फा, वन माइनस बीटा, वन माइनस गामा, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। स्टार्ट हो जाइए सारे के सारे बच्चे, ट्राई करो, जो भी नहीं आएगा समझाऊंगा ना। अब बच्चों देखो कितनी छोटी छोटी बातें होती है, कैसे कैसे लिंक करेंगे अब देखना। ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है लेकिन दो चार कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में है तो ऑलरेडी से, तो अब यहाँ पे आओ बच्चों ध्यान से देखना, कुछ फैक्टर्स बनाना मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। एक बार इस क्वेश्चन पे आएंगे अपन 2 से 3 मिनट के बाद, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कीजिएगा सारे बच्चे। जैसे मैंने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों तुम्हें पता हो तो मैंने अभी फाउंडेशन क्लासेस में तुम्हें एक दिन पास्कल ट्रायंगल बनाना सिखाया था, शायद टीजीटी वाली क्लास में सिखाया था, पता नहीं अगर तुमने एक तो मेरे सारे सेशन देख लेना, चाहे वो ईएमआरएस टीजीटी के ही क्यों ना हो, रिक्वेस्ट टू ऑल, जब भी तुम्हें टाइम मिले इस यूट्यूब चैनल पे जितने सेशन हो चुके हैं सारे आप देख लीजिएगा बच्चों ना, हर सेशन में कोई ना कोई बात काम की है जो कहीं ना कहीं पे लिंक करती है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन इज इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, यानी कि इसका एक फैक्टर ए माइनस बी तो हुआ ही हुआ है, श्योर है, चाहे तुम कोई से भी नेचुरल वैल्यू रख के इसको सेटिस्फाई करा के देख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, ए माइनस बी इसके मल्टीपल में आएगा आएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी तो आएगा आएगा, अभी बचपन से तुम्हें याद हो तो इसमें मैं कोई कलाकारी फर्दर नहीं लगा रहा है ना, कोई चीज 15-20 सालों से याद हो, तुम बूढ़े हो गए इसको पढ़ते पढ़ते, तो इसमें तो क्या ही ज्ञान दू मैं। आगे बढ़ो थोड़ा सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आनी चाहिए ए माइनस बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अरे वर्बली क्वेश्चन स्ट्राइक कैसा होगा वो चीज सिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, है ना। अब एक एक डिग्री कम कर दो, हालांकि कम नहीं हो रही है, याद करने का तरीका तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, है ना। कितनी बची, 2 डिग्री बची, स्टार्ट फ्रॉम ए स्क्वायर एंड विद बी स्क्वायर, जैसा मैंने तुम्हें पास्कल ट्रायंगल में फॉर्मूला बनाना सिखाया था, ए स्क्वायर से स्टार्ट करो बी स्क्वायर पे खत्म करो, इन सेकंड ब्रैकेट ईच टर्म हैज डिग्री टू, ए को कम करते जाना है बी को बढ़ाते जाना है, अपने आप धीरे धीरे होगा, रुको और अपन फॉर्मूले बनाएंगे। ए को एक कम करो, टोटल डिग्री मुझे 2 चाहिए, एक बी ले लो, जितना ए कम करेंगे उतना एक बी लेना पड़ेगा, ए पूरा खत्म बी की पावर 2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया जी, ये भी तुम्हें बचपन से याद है। यहाँ पे आओ, ए 4 माइनस बी 4, तो सर ए माइनस बी तो आएगा आएगा, कितनी डिग्री बची, 3, ए क्यूब ए को कम करो, ए स्क्वायर एक बी ले लिया हमने, फिर ए को एक और कम करो, फिर बी 2 बार ले लिया हमने, ए पूरा खत्म बी की पावर 3, ये लो, इसे 1 3 3 1 लगाते वो होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाता है, सिखाया था मैंने तुम बनाना, ए 5 माइनस बी 5, है ना। मैं इस तरह के क्वेश्चन स्ट्राइक करना तुम्हें सिखा रहा हूँ, ए माइनस बी तो आएगा आएगा, ए 4 से स्टार्ट करो, ए 4 ए को एक कम करो एक बी ले लो, ए को फिर एक और कम करो बी एक और बढ़ा दो, ए बी का क्यूब बी की पावर 4, अरे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, हालांकि इसके फैक्टर और भी होते हैं, तो फैक्टर्स वाले क्वेश्चन तो बच्चों डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस ओनली, बस 100 का फैक्टर 10 गुना 10 भी, 25 गुना 4 भी, 50 गुना 2 भी है, लेकिन हमें तो उससे मतलब है जो ऑप्शन में आ रहा होगा, इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो सकता है, और ऑप्शन में ये आ रहा हो तो फिर क्या कर लोगे। ये क्वेश्चन नहीं है, छोटी सी स्टेप है जो यहाँ पर हमारे काम आ रही है बच्चों ना। अब यहाँ पर ए 6 माइनस बी 6 का फैक्टर क्या होगा बताओ, ए माइनस बी वही ए 5 से शुरू हो जाना आप, ए 5 ए 4 बी ए क्यूब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब ए बी 4 बी की पावर 5, ओके। मेरे हिसाब से ये बात तुम्हारे समझ में आ गई है, अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों ना, एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसके फैक्टर्स अगर तुम करो ढंग से बैठो तो तुम्हारे पास क्या आएगा बच्चों, पता है तुम्हारे को एक्स माइनस वन आएगा नहीं आएगा बताओ, ए माइनस बी तो आएगा आएगा, फिर एक्स क्यूब प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोलो आएगा नहीं आएगा, डन डन डन, इसके फैक्टर्स हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस 1, एक तरीका ये हो गया हमारे पास, एक्स माइनस 1 को इधर कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया, है ना। दूसरा तरीका देखो,
एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसके चार फैक्टर है। एक तो एक्स माइनस वन वन है, तो एक्स माइनस वन विल भी फैक्टर अगर ये चार इसके रूट्स है तो। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। एक्स माइनस वन को डिनोमिनेटर में लेके चलो, इधर क्या आ गया, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। अब ये जानबूझ के मैं तुम्हें ये वाला देखो दूसरे तरीके से आंसर आएगा हमारा चार, ये तरीका मैं तुम्हें जानबूझ के क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा और मजा आएगा तुम्हारे को। कैसे सर, अब आप बोलोगे कि एक्स को वन से रिप्लेस कर दो आप, तभी जो डिमांड हमारी वो आएगी इस क्वेश्चन की। जैसे बच्चों तुम एक्स को वन से रिप्लेस करोगे तो यहाँ तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0.0 है ना। अब यहाँ से एक बात और लिंक होती है, एक कॉन्सेप्ट और लिंक होता है, देखो यही तो मैथ्स की ब्यूटी है बच्चों, और क्या है। इधर आओ सही बच्चे, एक बात इसको होल्ड करो। एट एक्स इज इक्वल टू वन फाइंड वैल्यू ऑफ, जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो थोड़ा लेट आंसर देंगे जो मेरे से पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। इसका आंसर बताओ, एक्स बराबर एक पर इसका इसका उत्तर चाहिए मुझे, पता है। बोलते जाओ बोलते जाओ, फटाफट फटाफट, जो मेरे से पढ़ चुका वो बच्चा लेट आंसर देगा। बच्चों सेशन को लाइक भी कर दिया करो यार, क्या बार बार बोलोगे तुम, इतने बूढ़े तो हो गए, समझ नहीं आ रही क्या तुम्हारे, बताओ। यूट्यूब की डिमांड होती है बच्चों। एट एक्स इज इक्वल टू वन फाइंड द वैल्यू ऑफ सतवीर सिंह 0 00, 1 0 बना दे भाई, पूजा यादव 2, सत्यरंजन प्रतिभा 2, बड़ा फैसल आप है ना, डी ट्रिपल एस भी पीजीटी वाला बैच ले लेना, वो सेम सिलेबस है, मेरे से बात कर लेना क्लास के बाद। शिवानी भारती, मैथ्स क्लास आशुतोष सुबोध, अर्चना सिंह 3 हो जाएगा, संदीप यादव। बोलते जाओ बच्चों, बोलो बोलो, करो करो फटाफट से करो, गलतियां तो होनी होनी चाहिए, बताओ। मैथ्स में तो वही बच्चा आगे बढ़ता है जो कम से कम गलत तो करता है। अमित मिश्रा और जो मुर्दे बच्चे कुछ बैठे हुए हैं, कुछ मुर्दियां बैठी हुई है, बोलो भाई। 2 2 2 2 2। अब मेरे बच्चे आंसर बता दो फटाफट से, मेरे बच्चे तो बोल ही देंगे अभी। जाओ बच्चों ध्यान से देखो, मैं ही समझाता हूँ इनको ना। तुम यहाँ पे वन रखो बच्चों, 1 माइनस 1 0.0, 0.0 आ रहा है, और 0.0 तुम कैलकुलेटर में डाल के देखोगे तो आज तुम्हें सिखाऊंगा फाउंडेशन बैच, यहीं से शुरू होता है हमारा, है ना। इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, एक्सेप्शन है मैथ्स में, है ना, अनिर्धारित रूप। आप कैलकुलेटर में भी डालोगे तो आप कुछ कैलकुलेटर्स बोलेंगे एरर, कुछ बोलेंगे कांट डिवाइड बाय 0, तो 0.0 तो मैथ्स में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं इसका आंसर क्या होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हमारे हायर मैथ्स में 7 फॉर्म्स टोटल है, सातों की सातों काम आती है, लिखाऊंगा सब। 0.0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है ना, 1 की पावर इनफाइनाइट है ना, 0 इंटू इनफाइनाइट सब करेंगे आज फाउंडेशन बैच में करेंगे, है ना। तो इसका आंसर एट एक्स इज इक्वल टू वन पर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सब, है ना, 0.0 फॉर्म बन रही है। अब जो दो आंसर आ रहा है वो गड़बड़ी क्या हो रही है तुम्हारी, तुम सब इमोशनल हो रहे हो, भावनाओं में बह रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, एक बार माइनस और एक बार प्लस, नीचे एक्स माइनस वन। अब जो तुम काट रहे हो ना, ये कटेगा नहीं, क्योंकि तो मैथ्स में 0 से 0 को भी कैंसिल हो ही नहीं सकता ना, 0 0 कैंसिल हो जाता तो फिर मैथमेटिशियन फेल कैसे होते वहां पे, बात समझ रहे हो तुम। हमेशा कैंसिलेशन लिख लो इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना, कि कैंसिलेशन नॉन जीरो नंबर्स का होता है बच्चों, जब भी काटते हो तो देखा करो वो संख्या नॉन जीरो होनी चाहिए, देन वी कैन कैंसिल अदरवाइज नॉट, ध्यान रखना इस बात का ना। मैं तो सर एक्स का मान 1 रखने पर 0.0 हो रहा है, काट ही नहीं सकते आप, तो इसका मतलब एलजेब्रा फेल हो गई यहाँ पे। कल ही मैंने एक बात तुम्हें समझाई थी बच्चों, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब जब आवश्यकताएं बढ़ती गई आविष्कार होते गए, है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एलजेब्रा फेल्स, कैलकुलस स्टार्ट कहाँ से होती है, लिमिट्स। फिर हम एक्स इज इक्वल टू वन की जगह इसको करेंगे एक्स टेंडिंग टू वन, नाउ द रिजल्ट इज पॉसिबल, रिजल्ट विल बी 2। सर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अब ये कैंसिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं पता एक्स क्या है, एक्स कैन बी 0.99999 या 1.00001, पर ये नॉन जीरो है, ये दोनों होंगे सेम, वेरी क्लोज टू वन, बहुत ज्यादा पास में, पर एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है, तो सर इसका मतलब नॉन जीरो हो गए, इसका मतलब हम कैंसिल कर सकते हैं, एक और एक दो आंसर आ जाएगा इसके। तो व्हेनेवर एलजेब्रा फेल, हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस।
एक्स इज इक्वल टू वन की जगह टेंडिंग टू वन होता है, देन द रिजल्ट विल बी टू बच्चों। एक्स इज इक्वल टू वन पर इसका रिजल्ट 0.0 आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आओ, है ना, ये सब पढ़ेंगे फाउंडेशन क्लास में अपन आज, डोंट वरी। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह डायरेक्ट वन रख दूँ तो सर यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो 0.0 बन जाएगा। तो टेक्निकली हमें क्या करना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, और यहाँ भी लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब पॉसिबल है सर, है ना। कैसे, अब चाहे तुम इसको डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के सोल्व कर लो, मेरे सारे भावी अध्यापक जानते होंगे डॉक्टर लाल हॉस्पिटल 0.0 से बनती है, लिमिट्स में पढ़ेंगे। और वैसे नहीं कर सकते तो मैंने फैक्टर तुम्हें निकालना सिखाई दिया बच्चों, एक्स माइनस वन, ठीक है, बाकी तुम्हें पता है ही है मेरे भावी अध्यापकों, सर टेंडिंग टू वन है तो कैंसिल कर ही दोगे आप, एक्स का मान एक रखते ही चार आंसर आ गया तुम्हारा। ये जानबूझ के मैंने इस मेथड इसलिए लिया था कि तुम्हारी हायर मैथ्स कनेक्ट हो सके, वरना इस क्वेश्चन का आंसर तो तुम देखते हमारा आ ही गया था बच्चों को, बड़ी बात है ही नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों, बोलो जी हाँ या ना। अगर पार पड़ी तो लिखो पार पड़ी, लिखो PAAR PADI। मेरा टारगेट केवल पांचवा क्वेश्चन समझाना नहीं था बच्चों, तुम समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को। देखो पार पड़ी, जो मुर्दे बच्चे हैं ध्यान रखना, विद्या कसम दिलाना शुरू कर दूंगा रिप्लाई नहीं करोगे तो, है ना, और मेरी विद्या की दिलाई हुई कसम लग जाती है बच्चों, फिर तुम कितनी कोशिश कर लेना, ध्यान रखना दिन रात मेहनत कर लेना, पास नहीं हो पाओगे। तो लाइव का मतलब, लाइव लाइव का मतलब होता है जिंदा, हम जिंदा हैं। अगर भगवान ने तुम अंगुलियां दी है, आंखें दी है, कान दिए, तो एक कोने में पड़ जाओ जाके चुपचाप, कॉपी हाथ में ले लो, रफ कॉपी और पेन, रिप्लाई करते जाओ पढ़ते जाओ, रिप्लाई करते जाओ पढ़ते जाओ, है ना। मैथ्स पढ़ने का ये मजा है, फीस पहले ही कम है यार भाई, मैं तो बाद में, ये तो मेरे बच्चों के कारण में इमोशनल हो गया, मेरे पुराने बच्चों के कारण, वरना अपन 10,000 का तो पढ़ाते हैं मिनिमम, मिनिमम है मस्त है बेटा, फीस बहुत कम है, फिर भी कोई दिक्कत हो बेटा, कोई तुम्हारी कोई दिक्कत हो तो कॉल मी, है ना। चलो आगे बढ़ो, बिल्कुल आसान सी बात है जी। अब इस क्वेश्चन की और भावनाएं समझने की कोशिश करना। इफ द समीकरण इक्वेशन का एक मूल 2+√3 है, 1 root is 2+√3 देन अदर रूट। सोचो रूट समझो, कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एक 2+√3 आ गया तो अदर रूट विल बी 2-√3 श्योर है, एक 1+i आ गया तो दूसरा 1-i, लेकिन कब, ये काम की बात है, जब इनके कोफिशियंट्स रियल नंबर हो, x^4 का कोफिशियंट रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, अगर इनके कोफिशियंट कॉम्प्लेक्स नंबर होते आयोटा की फॉर्म में होते बच्चों, तो फिर एक रूट अगर 2+√3 है तो दूसरा 2-√3 होगा, ये जरूरी नहीं है, मे बी और नॉट, मे बी और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ एक बार, है ना। ये जो कोफिशियंट रियल होते हैं ना, तब कोई बोले एक रूट साहब 3-√2 है तो तुम बोल देना अदर रूट विल बी 3+√2, ये तो श्योर है, पर कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर आप कमिटमेंट नहीं कर सकते कि वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हारे को, है ना। अभी बात तुम अभी लिख नहीं पाओगे बच्चों, तो जब दोबारा तुम इस सेशन को कंप्लीट करके जब फेयर कॉपी में करोगे तो वापस इन बातों को लिख लेना, वीडियो पॉज करके, स्पीड स्लो करके, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। तो 2+√3 अदर रूट विल बी 2-√3, है ना, तो 1/2+√3 उल्टा करने के लिए पता ही ना तुम्हारे को, पढ़ी चुके अपन एलजेब्रा में। अब जो बच्चे 7 PM वाला सेशन देखते हैं मेरा डेली 6 PM वाला, वो कितने कंफर्टेबल है इसको सोल्व करने में, हमने पढ़ा था वहां पे वर्गों का अंतर जब जब एक होगा उल्टा करने के लिए साइन चेंज कर देते हैं, व्हेनेवर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 1 रेसिप्रोकल विल बी कॉन्जुगेट, तो दोनों सेशन लिया करो यार, है ना। अगर तुम्हें वास्तव में एग्जाम क्लियर करना है तो 7 PM कल परसेंटेज चलेगा, 9 PM एप्लीकेशन में 10:30 बजे फिर DSSP PGT का स्टार्ट होगा वो, बस उसके अलावा तुम्हारे देखो जीके भी क्या ना। अब यहाँ पे आओ जाओ क्वेश्चन को पढ़ लो, मूल यानी रूट होता है बच्चों ना, अब देखिए बच्चों एक बात मेरे कहने से सारे बच्चे याद रखना बच्चों, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। कैसे, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखो सब, तब जनरल वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे इसके रूट 2 और 3 है, और चलो दो रूट्स वाले तो हम बना भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, है ना। पर क्यूबिक इक्वेशन एक याद रखो, जब क्यूबिक इक्वेशन अगर याद है ना तो ये ऐसे क्वेश्चन तो तुम ऐसे लगेंगे वो लल्लू, है ना। कैसे, देखो मेरी बात सुनो,
जैसे मैंने रूट लिए 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, मैं से इक्वेशन मैं बना के देता हूँ आ जाना, आ जाओ। तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, ऐसे निकालते हैं मूलों का गुणनफल, प्लस समेशन ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं। तो क्यूबिक है तो वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो नेगेटिव आएगा। 1 2 3 बराबर, ये इक्वेशन बन गई बच्चों हमारी। देखो एक्स क्यूब है ना, 3 2 5 और 1 6 6 एक्स स्क्वायर, 2 6 3 9 तो 11 एक्स माइनस 3 2 6 बराबर जी। अब अगर मुझे तुम थोड़ा बहुत भी कुछ मानते हो, थोड़ा सा मेरा सम्मान करते हो, तो ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए आज के बाद। जब भी मैं बोलूँ 1 2 3 रूट्स वाली इक्वेशन कौन सी है, मुझे स्पीड फास्ट हो जाती है, मतलब मजा आ जाता है, फिर स्वाद आ जाता है, मतलब है ना। फिर कुछ बच्चे ऐसे निकालते रहेंगे, उसमें उसमें थोड़ी मजा आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना आसान कर देंगे अपन, और इसका तो ये तो डायरेक्टली बहुत बार यूज आएगी, शायद आज वाले हैंडआउट में एक बार और यूज आएगी अभी, है ना। तो जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहा हो, तो तुम्हें एक जनरल, भाई जो जनरलाइज्ड वैल्यूज होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को तो सेटिस्फाई करेंगे करेंगे। तो सर हमने एक इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, तो पी का मान कितना आ रहा है 6, क्यू का मान कितना आ रहा है 11, आर का मान कितना आ रहा है 6। ये लो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ऑप्शन में पी क्यू आर के मान रखो, जिससे वो वैल्यू मैच हो जाएगी वही तुम्हारा आंसर है क्वेश्चन का। समझ गए मेरी बात को? बोलो बच्चों, समझे नहीं समझे? हमने क्या किया, समझो बात को भाई। ये तो सर सारी इक्वेशन पे ट्रू होगी बात, हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लिया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास आई, ये रहा अल्फा, ये वाले भाई साहब बीटा, ये वाले भाई साहब गामा, ओके 1 2 3 वहां रखो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी पी क्यू आर के मान ऑप्शन में रखो, वो भी तुम्हारे पास है, जिस जहां पर दोनों मैच हो जाए वही तुम्हारा आंसर है। बोलो क्या बोलते हो, यस और नो? शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, डन। क्या सभी का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पी क्यू माइनस आर मैच्ड? हाँ या ना, विजिबिलिटी क्लियर है ना? क्लियर है, ठीक। तरीका समझ में आ गया, प्रोसीजर समझ में आ गया बच्चों, क्या किया अपन ने, है ना। अब आओ तो समीकरण के लिए सत्य कथन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इक्वेशन देखो वही है, कौन सी, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस का 6 बराबर 0। तो रूट्स क्या आ रहे थे 1 2 3, तो हमारे पास आ गया बच्चों कि केवल एक वास्तविक मूल ना, तीनों वास्तविक मूल थे। ये हिंदी भी गजब होती है यार, है ना। अवास्तविक मूल अनुपस्थित, ये कथन सत्य है कि नॉन रियल रूट एबसेंट थे बच्चों, है ना, यानी कि सारे रियल थे ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डन। पार पड़ी, क्यों पूर्णांक मूल अनुपस्थित, क्यों इंटीजर रूट तो सारे इंटीजर थे 1 2 3, है ना, गॉट इट। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ डी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आओ तुम यहां पे आओ बच्चों, इक्वेशन के रूट्स, है ना, पहला रियल डिस्टिंक्ट और रेशनल, रियल डिस्टिंक्ट और इरेशनल, रियल एंड डिस्टिंक्ट इमेजिनरी। तो ये तो टोटली बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, निकाल के देखो। बी स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 36 माइनस 4ac करोगे तो 3 6 6 2 6 6 24 36 24, रूट 60 आ गया बच्चों, है ना। तो अंडर रूट का 60 आ गया, तो सर उसको जोड़ोगे और घटाओगे तो ऑब्वियसली अलग अलग आंसर आएगा हमारे पास, है ना। अब तुम बताओ विच ऑप्शन शुड बी अप्रोप्रिएट आंसर। सारे बच्चे बताओ, बहुत आसान सी बात है, जल्दबाजी नहीं करनी थी बस, है ना, करते चलो करते चलो, बढ़ते चलो। बी आ रहा है ना सर, रियल है, डिफरेंट है, इरेशनल है, क्योंकि रूट 60 आ गया। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड।
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम एक्स प्लस वन के मूल धनात्मक पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर है ना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो एम का मान ज्ञात कीजिए, बताओ। करते चलो बच्चों, शेयर भी करते रहना। माइनस वन आ रहा है, देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है, तो एम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, एम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो एम एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स पूछ रहा है, तो माइनस वन अपॉन एम। अच्छा एक्स इज वॉट, एक्स इज द रूट, एक्स तो मूल होगा हमारा, और मूल के लिए इसने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है और इंटीजर भी आ रही है, तो सर हम माइनस टू रख नहीं सकते, माइनस टू रखने से पॉजिटिव तो आ जाएगा लेकिन इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन आएगा, तो जीरो रखने पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, वन रखने पे नेगेटिव आएगा, तो सर माइनस वन बचा, ताकि माइनस वन मिलके प्लस का वन हो जाएगा और वो बात भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, माइनस वन इज द राइट आंसर। आया सभी का, बेहतरीन बेहतरीन। इक्वेशन के लिए बताओ, कोई भी रियल रूट नहीं है, तो वन रूट, टू इक्वल रूट्स, इनफाइनाइट रूट्स बताएं। अब देखो सारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हिंदी में है ना, पर किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ने एक बार भी नहीं बोला कि सर इंग्लिश में दो, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ हमेशा, वो एक साइकोलॉजी होती है ना, कुछ बच्चों की साइकोलॉजी होती है, नहीं यार हिंदी में होता तो ही समझ में आता, जब जबकि टीचर बोल रहा है हिंदी में बोल रहा है टीचर, तो थोड़े समझदार बना करो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाईलिंगुअल बोलता हूँ हमेशा, कभी कोई अंग्रेज नहीं हूँ, टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं ना, मैथमेटिकल इंग्लिश आती थोड़ी बहुत बस। ए मैंने बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि जब भी इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसको उनकी वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करके जरूर देखा करो बच्चों, वापस प्रतिस्थापित करके देखनी चाहिए मैं ना, कि वो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब एक्स इज इक्वल टू वन आ तो रहा है तुम्हारा, लेकिन वन को वापस रीसब्स्टिट्यूट हम करते हैं तो वन माइनस वन जीरो, नॉट डिफाइन हो रहा है, देयर इज नो रियल रूट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है, रीसब्स्टिट्यूशन जरूरी है आशीष, गॉट इट, रीसब्स्टिट्यूट करके जरूर जरूर देखना है, समझ गए ना मेरी बात को, आ जाओ जी। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक मूल, जब इसको जीरो के बराबर करते हैं, इसका रूट, एक रूट अल्फा है, यानी कि बोलना चाह रहा है कि जो एक्स के पास थ्री वैल्यूज आएगी हमारे पास यहाँ पे, क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक वैल्यू अल्फा विल सेटिस्फाई दिस, अल्फा इसका एक रूट है, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा फिर ये क्वेश्चन, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू है, यानी कि आपको एक्स को वन अपॉन अल्फा से भी रिप्लेस करना है और एक्स की जगह अल्फा भी रख के देखना है, क्या पता दोनों में रिलेशन आ रहा हो, जीरो के बराबर आ रहा हो नहीं आ रहा हो, एक बार तो बोल ही दिया इसने अल्फा रूट है, तो एफ अल्फा बराबर जीरो तो शो हो रहा आंसर, यानी या तो सेकेंड है या थर्ड है, फर्स्ट और फोर्थ तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो उसने बोल ही दिया ना, अब इन दोनों में से चेक कर लो, वन अपॉन अल्फा भी रख के देख लो, चेक करो सारे बच्चे। अच्छा रखें, देखो पहले तो अल्फा रखें अपन, तो अल्फा क्यूब प्लस फाइव अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव अल्फा प्लस ये बराबर जीरो है डेटा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब आओ वन अपॉन अल्फा रखें, तो वन अपॉन अल्फा क्यूब प्लस फाइव अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन अल्फा प्लस वन बराबर जीरो, इसका एलसीएम ले लो, जो अल्फा क्यूब आ जाएगा ऊपर आएगा, वन प्लस फाइव अल्फा प्लस फाइव अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बराबर जीरो, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है जीरो, घूम फिर के वही आ गया एलसीएम में। यस बच्चों सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन पे टिक कर दो। पार पढ़ी सभी की, यस और नो, बड़े थोड़ा सा आगे,
अब आओ जी देखो इसने क्या बोला। इसके गुणांक परिमेय है, ठीक है। वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट्स कोफिशियंट्स आर रेशनल, है ना। क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बच्चों रेशनल है, सॉरी कोफिशियंट रेशनल है, गुणांक मतलब कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। वन रूट इज टू माइनस रूट थ्री, रेशनल का मतलब रियली हो गया ना बच्चों। अपन मैंने समझाया था रियल हो अगर कोफिशियंट तो कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो अदर रूट विल बी टू प्लस रूट थ्री। अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। लल्लू सा क्वेश्चन है जी, बहुत आसान है। जैसे कि तुम्हारी बात, थोड़ा सा आगे बढ़ो। इसके पुनरावृत्त मूल का मतलब समझो, रिपीटेड रूट। वी हैव टू फाइंड आउट रिपीटेड रूट्स बच्चों ना। तो 1331 पास्कल ट्रायंगल, अगर आपने मेरे सारे सेशन देखे हो तो मैंने आपको समझाया था कि x प्लस 1 का होल क्यूब बनता है। ये सुनो, -1 -1 -1 तीन बार आ जाएगा, रिपीटेड रूट आ गया, बहुत आसान सी बात है। अब देखो ये x की पावर 3 होनी चाहिए, है ना। x क्यूब हो बच्चों, है ना, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 32x का एक रूट 3 प्लस रूट 5 आयोटा है, तो इसका रियल रूट क्या होगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन ही रियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप तो इससे फर्क मत करो। देखो ये बताऊं क्या क्या करवाना चाह रहा है, कि बच्चे देखेंगे कि अदर रूट विल बी 3 प्लस रूट 5 आयोटा, फिर उन दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। इतनी माता बड़ी सब्जेक्टिव पेपर में की जाती है, यहाँ नहीं करनी हमारे को। ऑप्शन से एक्स की वैल्यू रखो, जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा तुम्हारा आंसर है, फटाफट से रखो। ऑप्शन से एक्स का मान रखते जाओ, सोल्व करते जाओ। स्टार्ट फटाफट फटाफट। रोबिन शर्मा, डी ट्रिपल एस बी टीजीडी की वैकेंसी कब आएगी, मुझे नहीं पता भाई कब आएगी, ठीक है, बट आने वाली है, बस ये है। वैसे कुछ भी बोल के माहौल नहीं बना सकता, मुझे लगता है टीचर से ज्यादा बच्चों को ध्यान होता है कब आने वाली है ना, क्योंकि बच्चा उसके लिए वेट करता रहता है उस पर्टिकुलर बात के लिए। YouTube पे व्यूज बनाने के लिए अपन माहौल बना दे, वैकेंसी आने वाली है, थंबनेल लगा दे बढ़िया सा, क्या वैकेंसी आ चुकी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। तुम सबको ही पता होता है बच्चों, कोई हमें कोई स्पेशल, टीचर्स को कोई स्पेशल थोड़ी ध्यान होता है ना। तो शिक्षा मंत्री से हमारी जानकारी थोड़ी रहा कि वैकेंसी अब आएगी, समझ मेरी बात को। तो मस्त रहा करो, पढ़ाई करो बस, कभी भी आ जाए, हमें तो पढ़ाई करनी है बस। ये है उस कमीशन की एक बात, ये है कि वो कभी भी लॉन्च कर देगा और तुम्हें टाइम इतना ही देगा कि मतलब दो चार दो तीन महीने में एग्जाम करवा लेते हैं वो, इसलिए कीप प्रिपरेशन स्टार्ट, इतना समय कहूंगा बस। अरे ऐसे चेंज हो गया क्या मेरे से, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ठीक है, वेरी रोको आंसर पाओ बस, है ना। अरे वो कितने फायदे में रहा तुम्हारे को अगर ये इक्वेशन अगर तुम्हें याद है तो बताओ, है जनता सोच रही होगी तुम टिक कर दोगे इतने में तो, है ना। थोड़ी सी स्मार्ट जनता होगी तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करा रही होगी, लेकिन तुम तो और ज्यादा स्मार्ट हो ना बच्चों, तुम तो डायरेक्ट ही लगा दोगे 1 2 3 खेल खत्म, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। तो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना बच्चों, ना बोलो भाई बोलो। ऐसे लिखो बच्चों, जनता सोच रही होगी हम कर चुके होंगे, ऐसे लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी लिखो फटाफट से, ऐसे लिखो जनता सोच रही होगी हम कर चुके होंगे, जल्दी से। वही कर चुका होगा जो सेशन को शुरू से देख रहा है आज, कोई बीच में आएगा तो उसको तो पागलों की बात लगेगी, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं सर, है ना, वो समझ नहीं पाएगा अपनी भावनाओं को। जल्दी लिखो, जनता सोच रही होगी हम कर चुके होंगे, फास्ट। जल्दी सबको ध्यान करना, पिटाई लगा दूंगा आशीष, जनता की स्पेलिंग सही लगी यार, ऐसा नहीं। जो जो ऐसा चाहता है बच्चों, देखो पॉजिटिव माइंडसेट इज एवरीथिंग, एक पॉजिटिवनेस रहनी चाहिए अंदर, है ना, बाकी सब
अपने आप हो जाता है। ये पूजा यादव इमोशनल होगी बच्चों यार, है ना। अभी अपनी पहली दूसरी तीसरी क्लास में बैठा, इतना इमोशनल क्यों हो रही है, इतना इजी पूछेंगे नहीं, मतलब नेगेटिविटी भरी हुई है अंदर, इतना इजी पूछेंगे नहीं, मतलब मैं कैसे भी माहौल को पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ। हाँ, इतना इजी पूछेंगे नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, आज वाले सारे क्वेश्चन आए हुए, बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे, ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, चाहे यूपीटीजीटी में आया हुआ हो, चाहे आरपीएससी में आया हुआ हो, है ना। तो जो लिखो पूजा, पूजा इमोशनल हो गया, ऐसे लिखो एक बार फटाफट से, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो लिखो। लिखो पूजा तो इमोशनल हो गया, ऐसे लिखो। जल्दी लिखो, उसके बाद ही अपन चालू करेंगे सेशन। देखो पूजा तो इमोशनल हो गई भाई, ऐसे लिखो लिखो फटाफट सारे बच्चे, ताकि फिर पूजा दोबारा इमोशनल ना हो। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जल्दी फास्ट। पूजा तो इमोशनल होगी, जल्दी संदीप यादव, मैं ब्लॉक कर दूंगा ध्यान रखना, बिल्कुल भी होशियारी नहीं, यहां नहीं चलेगी बिल्कुल होशियारी, अगर बिल्कुल ऐसा करेगा तो ध्यान रखना, नेवर। ये दोबारा अगर तेरा नाम मैंने इस कारण से बोला ना, बिल्कुल भी होशियारी नहीं, जान नहीं, ध्यान रखना ठीक है, बिल्कुल कीप इन माइंड, आगे ध्यान रखना भाई। चलो जा, स्टार्ट करते हैं बचाओ, इसका फर्स्ट ऑप्शन आ गया ना। इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो इक्वेशन निकालो बच्चों, इसके रूट्स 1/2 α - 5, 1/2 β - 5 हो। सोचो ऐसे क्वेश्चन का एक फिक्स फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, ध्यान से। चलो बच्चों अब स्टॉप, है ना ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों ना, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि ये तो हमें पता है कि दो रूट्स गिवन हो, तो x²-√x + PR√0 हमारे पास होता है ना, तो x² - क्या करेंगे हम, सम ऑफ रूट्स करेंगे 1/2 α - 5, 1/2 β - 5, ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, तो 1/2 α - 5 और 1/2 β - 5। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों, गिवन डेटा की मजबूरी होती है कि अपने आप देखो तुम्हारा पैटर्न बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज 5/2 और अल्फा बीटा इज 7/2। मैथ्स भाई राजू सर में गया, हिंदी में है ना पूरा एंड्रॉइड, इसलिए आनंद आ गया उसको। तो बच्चों देखो यहाँ पे है ना, दोनों को जब एलसीएम लेने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा नीचे। आई एम वेरी वेरी श्योर कि पूरा डेटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ कॉमन आ जाएगा, मतलब अल्फा और बीटा के साथ सेम कोफिशियंट आ जाएगा, और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ डेटा रखो और आंसर पाओ उसका, है ना, बताओ। मैथ्स भाई राजू सर, कभी भी मेरा इंटेंशन मेरे स्टूडेंट्स का मजाक बनाना नहीं होता, वो पूजा अपने आप जानती है ना, अगर वो मेरी पुरानी स्टूडेंट है तो उसको मजाक बनाना बिल्कुल नहीं बोलते, उसको पॉजिटिव लो तुम, है ना ठीक है। तो ध्यान रखो इस बात का, किसी का मजाक नहीं बनाया जाता मेरे द्वारा, तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मुझे अधिकार है तुम्हें डांटने का, तुम्हें फटकारने का, मेरे पास मेरे तरीके होते हैं तुम्हें समझाने के लिए, है ना, कैसे भी। पर ये ध्यान रखना, कभी भी मेरे किसी भी स्टूडेंट के प्रति ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि मैं उसका मजाक बना रहा हूँ ना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई स्टूडेंट। उस संदीप, संदीप ने जब उस गलत स्टेटमेंट लिखा तो मैंने उसको डांटा ना, बेटा ब्लॉक कर दूंगा, डांटा ना। तो इतना इमोशनल मत हो मैथ्स भाई राजू सर, ठीक है, ओके राजू सर। चलो
बच्चों डन है क्या? फटाफट से करो इसको, एलसीएम लेके बताओ, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ रहा होगा, 5/2, 7/2 रखो डेटा, और आई थिंक फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, चेक करो एक बार। वेरी गुड विद्या कुमारी, रवि कुमार लाइव पे आ जा, बहुत पीछे चल रहा है भाई। बच्चों डन, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100% आएगा। मूल समांतर श्रेणी में रूट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो मूलों का डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ रूट्स हमें निकालना है। तो देखो जो तुम्हें आज इक्वेशन के बारे में बेसिक जो जानकारी मैंने दी उसके हिसाब से सम ऑफ रूट्स 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 28, अंदर से आवाज 1 4 7 3, क्वेश्चन खत्म। और तुम्हारे अंदर से प्यारी मुझे बताया, ऐसे किसी आवाज ही तुम्हारे अंदर से आई है बच्चों, झूठ मत बोलना है ना, फटाफट से बोलो सही सही बोल रहा हूँ ना मैं। बताओ बालको, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शाबाश मेरे भावी अध्यापकों, वेरी गुड। एक डेस्कार्टेज रूल का एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें करवाता हूँ ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटमोस्ट नेगेटिव रूट्स हमें निकालने हैं। तो मैंने क्या बोला था, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे नेगेटिव रूट निकालने के लिए, तो माइनस एक्स की पावर 9 प्लस 5 x की पावर 8 प्लस x की पावर 4, क्योंकि सॉरी 3, क्योंकि नेगेटिव पावर है ना बच्चों, माइनस का 7x प्लस का 2, तो एक बार साइन चेंज हुआ, 1 2 3, तो एटमोस्ट 3 नेगेटिव रियल रूट्स। ठीक है, बात समझ आई तुम्हारे सभी के? हेमंत गिल, कॉल कॉल करता हूँ बेटा, कॉल करता हूँ मैं। डन बच्चों, शाबाश मेरे भावी। जो क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन अभी इसमें भी आया था, कौन सा एग्जाम होता है तुम्हारा अभी यार, थोड़ी देर पहले अभी, ये हमारा एसपीजीटी में है ना, एक गुणनखंड। देखो बच्चों इसकी वैल्यू 1 और 2 सेटिस्फाई कर रही है, एक बार चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, सेटिस्फाई कर रही है ना। अब वो इसका फैक्टर है तो जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको भी करेंगे, तो 1 और 2 विल सेटिस्फाई दिस। एक्स का मान 1 रख के इसको 0 के बराबर कर दो, पी और क्यू में एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर एक्स का मान 2 रख के इसको 0 के बराबर कर दो, पी और क्यू में एक और इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, खत्म खेल। यहाँ पहली इक्वेशन में एक्स बराबर 1 रख के 0 के बराबर करके ऑप्शन से वैल्यू सेटिस्फाई करा लो, अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 2, उसके रूट्स 1 और 2 है, तो 1 और 2 इसके भी रूट्स होंगे। हमने x का मान 1 रखा, 0 के बराबर किया, p और q में एक समीकरण बना, उस समीकरण को जो भी ऑप्शन से सेटिस्फाई कर रहा हो वो हमारा आंसर होगा। बट एक ही समीकरण को सेटिस्फाई करा कर देखना चाह रहे हो, दूसरे में जोर आ रहा है, तो फिर आपको और भी ऑप्शन वर्बली देखने पड़ेंगे। कई बार एक इक्वेशन को दो दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी समझदारी होगी एक्स बराबर 2 भी रखो, एक और इक्वेशन बनाओ, फिर उन दोनों इक्वेशन को जो एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा हो दैट विल बी रिक्वायर्ड एन यूनिक आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के, है ना? बी आ जाएगा शायद, कर लेना बता रहा, मुझे याद नहीं है, तुम कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया प्रोसीजर। चलो तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस तुम्हारी रही, अब सभी से निवेदन है। हाँ वो अमन, मैं उसका कल एक यूट्यूब पे सेशन बना दूंगा, ये हमारे स्पीरिट में 2 क्वेश्चन गलत है,
तो उनका ऑथेंटिक कोई बुक वुक गूगल पे सर्च करके ऑथेंटिक जो रीजन वैलिड रीजन डालना होता है ना, कल एक सेशन बना दूंगा मैं, डोंट वरी। दोपहर में ना आज टाइम ही नहीं मिला यार, बहुत ही हेक्टिक था। तो बच्चों प्लीज शेयर एंड लाइक द सेशन, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और कल अपन एक फैकल्टी लॉन्च करेंगे, मेरी स्टूडेंट है, शी इज डूइंग PhD इन मैथमेटिक्स, तो आपके लिए कुछ सेशंस वो बनाया करेगी, आपकी लाइव क्लासे भी मैं करवाऊंगा उससे, डोंट वरी एट ऑल। तो ऐसे और भी कोई स्टूडेंट जो जिनके पास स्मार्ट बोर्ड हो ना, एक बार वो करना, या जो लाइव जयपुर आ सके पढ़ा सके, मोस्ट वेलकम, है ना। एक बार एग्जाम दे लो, उसके बाद आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मिलते हैं फिर, प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। मिलते हैं 10:30 बजे जो फाउंडेशन बैच में है, वो आ जाना, पैनिक मत होना, कोई टेक्निकल इशू भी आ जाए तो, है ना, सब सॉल्व आउट हो जाएगा धीरे धीरे, घबराना मत। राधे राधे बच्चों, जय श्री श्याम, टेक केयर, 7 बजे भी आया करो यार सारे बच्चे ना। और जिन्होंने बैच लिया नहीं है ले लो, अभी तो मैं दोनों बैचेस का एक्सेस दिलवा दूंगा अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी।